अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ा ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट पोटैटो चिप्स की रेसिपी लाई हूँ। इसको जो है सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसको फटाफट इंस्टेंट बना सकते हैं। और इसको आवाज़ से आप लोगों को पता ही चल रहा है कितना ज़्यादा ये जो है क्रंची बन के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा कुरकुरे, बिल्कुल मार्केट जैसा आलू चिप्स हमारा बन के घर पर तैयार हो चुका है। और कुछ ही मिनटों में आप लोग इसको जो है ईज़िली बना सकते हो। तो आप लोग जो है मेरे स्टेप को फॉलो करके बनाइए तो बिल्कुल परफेक्ट जैसा। ऊपर से आप लोग को नमक भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले चिप्स की रेसिपी को आप लोग फुल वॉच करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर मैं जो है चार पोटैटो में इतना सारा चिप्स हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप लोग जो अभी ठंडी के सीज़न में जो नए आलू जो मिलता है उससे तो ये चिप्स बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको जो है आप लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पांच आलू ले लिया है और ये नए वाला आलू है और इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था। तो अभी जो है इसको छिल के तैयार कर लेना है। इस आलू में जो है ये बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल क्रंची। तो आलू को जो है एक एक करके मैं सब छील के तैयार कर लेती हूँ। और छीलने के बाद जो है इसको तुरंत ही आप लोगों को पानी के अंदर डाल देना है। तो ये जो है एक हमारा छील के तैयार हो चुका है। तो मैं अलग से एक बर्तन में पानी लेके थोड़ा सा इसको पानी के अंदर डिप करके रख दूँगी। तो इसी तरह मैं जितना भी आलू है हमारा सब मैं अच्छी तरह से छील के तैयार कर लूँगी। तो आलू जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो है इसको अच्छी तरह से मसल मसल के धो लेना है ताकि जो इसका स्टार्च रहता है वो अच्छी तरह से निकल जाए। मैं जिस तरह से घर पे बनाती हूँ मैं सेम प्रोसेस से ही आप लोगों को दिखाती हूँ। सब रेसिपी मैं जो खुद ट्राई करती हूँ वही जो है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं कॉटन के कपड़े से जो है इसको अच्छी तरह से मैं पोंछ के तैयार कर ली हूँ। बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर सब आलू हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अभी जो है इसको कट कर लेना है। इस तरह का कटर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक जो है स्लाइस में निकलता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको चाकू से भी कर सकते हैं, पर चाकू से अच्छा इससे जो है पोटैटो चिप्स बनता है। तो ये ऑनलाइन में भी जो है ईज़िली अवेलेबल मिल जाता है आप लोगों को। ऑनलाइन से आप लोग ऑर्डर कर लीजिए। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी जो है मैं एक आलू को अच्छी तरह से ग्रेट करके पूरा इसका जो है आलू निकाल लिया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा पतला पतला चिप्स हमारा निकल के तैयार हो चुका है। तो अब जो है इसको हमको पोंछ के तैयार कर लेना है। तो टिश्यू पेपर की मदद से मैं आलू को पहले अच्छी तरह से फैला दूँगा और टिश्यू पेपर की मदद से इसका जो स्टार्च है उसको अच्छी तरह से मैं पोंछ के तैयार कर लूँगी। आप लोगों के पास अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप लोग कॉटन की रुमाल जो है उसको उसके ऊपर ग्रेट करके अच्छी तरह से पोंछ के तैयार कर लें। तो देख सकते हैं इसका जो है मॉइस्चर सभी निकल रहा है। टिश्यू पेपर में जो है इजीली मॉइस्चर निकल के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं अच्छी तरह से पोंछ के मैं पूरा तैयार कर लिया है। और अब जो है चलेंगे इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। आलू जो है हमारा बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं बचा है। इस तरह से बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। तो एक टिप्स जो है मैं देना चाहती हूँ इस आलू के चिप्स की रेसिपी में। तो ऊपर से अगर आप लोग इसको जो है नमक डालोगे ना तो आलू के चिप्स जो है नरम पड़ सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से जो है आलू के चिप्स में नमक डाल सकते हो। तो वीडियो को देखते रहिए, मैं बताती रहूँगी किस तरह से जो है करना है। और दूसरी तरफ मैं तेल को गरम चढ़ा दिया है। तेल को जो है बिल्कुल हाई हीट में आप लोगों को गरम कर लेना है। तेल जो है मैं ऊपर से थोड़ा सा हाथ रख के देख लेती हूँ। तो तेल हमारा गरम लग रहा है तो मैं एक चिप्स डाल के इसको तैयार कर लूँगी। पहला मैं चेक कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ गया है, पर चिप्स डालते ही तुरंत ही ऊपर आना चाहिए। इतना ज़्यादा तेल को जो है हमको गर्म करना है। तो मैं एक जो डाल दिया है उसको मैं निकाल लेती हूँ और थोड़ी देर इसको 3 से 4 मिनट में गर्म करती हूँ। और अभी मैं जो है इसके अंदर एक एक करके चिप्स डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं चिप्स डालते ही तुरंत किस तरह से ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके का जो है तेल को हमको गर्म कर लेना है और बिल्कुल जो है हाई हीट में इसको करना है। इससे चिप्स जो है बहुत ही क्रंची और फटाफट बन के तैयार होता है। तो जब तक कि इसमें बबल्स आते रहेंगे तब तक आप लोगों को इसको पलटना नहीं है। तो थोड़ा सा बबल्स कम हुआ तो आप लोगों को इसको अच्छी तरह से पलट देना है।
अब देख सकते हैं इसमें लगभग जो है बबल्स हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे जो है आप लोगों को जो नमक का पानी हम लोगों ने बना के रखा था उसको बीच में बिल्कुल सेंटर में एक चम्मच डाल देना है। तो फर्स्ट जब आप लोग डालेंगे तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा छींटा आएंगे, तो थोड़ी सावधानी से आप लोग करें। और इससे जो है ना इक्वली सब जो है चिप्स के अंदर अच्छी तरह से नमक लग जाएगा, बिल्कुल आप लोगों को ऊपर से नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी और फिर मैं निकाल लूँगी सब। तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं जो है अब इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है इसका कलर और भी थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारा पहला बैच जो है चिप्स का बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो इसी जो है सेम प्रोसेस से मेरा बाकी जितना भी चिप्स है मैं उस तरीके से ही सब फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो 3 से 4 बैच में हमारा चिप्स फ्राई करने के बाद हमारा टोटली चिप्स जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसको अभी थोड़ा सा ठंडा करके फिर खाइए, उससे मज़ा जो है ज़्यादा आता है। तो हमारा चिप्स तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग इसका आवाज़ से। और जो है ये चिप्स 4 आलू में हमारा कितना ज़्यादा चिप्स बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली इस तरीके की रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।